नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अवैध रेत का परिवहन करते ट्रैक्टर को पकड़ा। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा अवैध उत्खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान पर कार्रवाई करते हुए बहुत ही टीआई पूनम सविता सिंह ने एक अवैध रेत का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार बहुत ही थाना प्रभारी क्षेत्र में थाना संबंधी कार्य के चलते चंदावनी की ओर जा रही थी। इसी दौरान लौटना क्रम में इतराहे पर एक रेत से भरा हुआ ट्रक ट्रैक्टर चलाता आ रहा था, तभी थाना प्रभारी की गाड़ी को आते देख ट्रैक्टर चालक व उसके अन्य साथी ट्रैक्टर को छोड़कर भाग खड़े हुए, जिस पर बहुत ही थाना प्रभारी ने खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे को निर्देश देते हुए स्टाफ की मदद से ट्रैक्टर को खोड़ चौकी पर लाकर बहुत ही थाना प्रभारी के द्वारा ट्रैक्टर के विरुद्ध अवैध रेत परिवहन जैसी विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया। संपूर्ण कार्रवाई में बहुत ही थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम सविता सिंह, खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे, कार्यवाहक उप निरीक्षक भोलाराम पुरोहित, एएसआई हरदयाल जोशी, प्रधान आरक्षक राजेंद्र यादव, आरक्षक नवनीत जाट, आरक्षक दिलीप रावत की अहम भूमिका रही। शिवपुरी से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक अवैध रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर जब्त किया, ये पूरा मामला क्या है? ये आज 7 जुलाई 2021 की बात है, समय करीब 1 बजे होगा। मैं अपने अपराधों सीएम हेल्प की विवेचना के लिए और तस्दीक के लिए मैं थाने से निकल रही थी, तभी लोटना चौराहा चंदावनी ये पड़ता है, वहाँ बीच में एक रेत की ट्रॉली जा रही थी जिसमें 2-3 लोग बैठे हुए थे। जैसे उनको रोका गया वैसे ही वो ट्रैक्टर को और आगे भगाने लगे और ट्रैक्टर को वहीं छोड़ के भाग गए। और इसके बाद में तुरंत चौकी प्रभारी राजीव